हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्लोरीन गैस क्या है और इसके उपयोग भी जानेंगे। क्लोरीन की खोज सेले ने 1774 में की थी, जब सेले HCl और MnO2 की अभिक्रिया संपन्न करा रहे थे। इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने क्लोरीन गैस को प्राप्त किया, इसलिए यह कहा जाता है कि क्लोरीन की खोज सेले ने की थी। यह अभिक्रिया हम देख लेते हैं। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार है। 4HCl प्लस MnO2 एरो Cl2 प्लस MnCl2 प्लस 2H2O। हम देखेंगे इधर H के चार अणु हैं और Cl के भी चार हैं और Mn का एक है, O2 के दो हैं। तो इधर एरो के इधर हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, Cl2 के दो अणु हम ले लेंगे और सिंगल हमारा Mn रहेगा और Cl2 एक सिंगल Cl2 इसके साथ जोड़ देंगे, क्रिया करवा लेंगे, क्योंकि उधर हमारे पास 4Cl हैं यानी 4Cl हैं। तो हम क्या करेंगे, दो सिंगल क्लोरीन बना देंगे और एक Cl EMN के साथ जोड़कर हम EMnCl यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे। अब हमारा बचा हुआ है 4H यानी चार हाइड्रोजन और O2 यानी दो ऑक्सीजन के, तो हम इससे वाटर बना देंगे 2H2O। हमें उम्मीद है कि आपको रिएक्शन पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। इसके बाद सन 1810 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की प्रकृति के बारे में बताया कि इस तत्व का पीला रंग होता है, इसलिए इसे क्लोरीन नाम दिया गया। ये हरे पीले रंग की गैस होती है जिसमें तीखी गंध आती है। इसके रासायनिक एवं भौतिक गुण देख लेते हैं। नंबर एक, कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर हरित पीले रंग की गैस होती है। दो, इसमें तीव्र गंध आती है। आगे देख लेते हैं। थ्री, क्लोरीन गैस बहुत अधिक जहरीली होती है। चार, क्लोरीन की अधिक मात्रा में सांस लेने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। पाँच, क्लोरीन धातुओं के साथ तेजी के साथ क्रिया करके क्लोराइड बना लेती है। उपयोग, एक, सोने और प्लेटेनियम आदि के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दो, क्लोरीन का उपयोग व्यंजक चूर्ण, क्लोरोफॉर्म आदि कई यौगिक बनाने के लिए किया जाता है। तीन, पेपर कॉटन आदि के लिए व्यंजक के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। चार, क्लोरीन गैस के इस्तेमाल से फॉस्फीन, आश्रु गैस, मस्टर्ड गैस आदि विषैली गैसों का निर्माण किया जाता है। पाँच, बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।